श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूल नभस्वता ईडितम पुमान भवाब्दिम ना तरे आत्माना। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य देह दुर्लभ है और फिर भी ये सुलभ हुआ है अभी, तो उनमें हमें हमारी नैया पार कर लेनी चाहिए। कैसे पार होगी? तो आपको तीन साधन चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए जिससे हमारी नैया पार हो सकती है। सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। और ये शरीर ये जहाज हैं और गुरु उनका कर्णधार सुकानी उनका खेवटिया गुरु कर्णधार। तो हमें मनुष्य जीवन सुंदर उत्तम देह मिला और गुरु कर्णधार हमें जहाँ जाना है वहाँ हमारा गुरु कर्णधार बन के हमें ले जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुरु श्री कृष्ण का ही भक्त होना चाहिए, गुरु वैष्णव ही होना चाहिए, हमें श्री कृष्ण का ही प्रेम चाहिए। हमें श्री कृष्ण के पास जाना है तो उनका भक्त ही हमें ले जाएगा। अगर अन्य का वो गुरु होगा तो हमें हाईजैक कर जाएगा, हमें जाना है कहीं और ले जाएगा कहीं और। इसलिए हमें गुरु कर्णधार वैष्णवो स्वपचो गुरु सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न सस्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। चांडाल भी अगर वैष्णव हो तो वो गुरु हैं, लेकिन सट कर्म में निपुण विप्र और सब शास्त्रों का चतुर्वेदी विप्र अगर वो वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता, गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमें हाईजैक कर जाए कहीं और। हमें जाना है कृष्ण की ओर, कृष्ण को धाम जाना है, गोइंग बैक टू होम बैक टू गॉड हेड, और हमें ले जाएगा कहीं और। इसलिए गुरु वैष्णव ही होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि गुरु कर्णधार मया अनुकूलेन नभस्वता, और हमें नैया मिल गई, जहाज मिल गया, गुरु कर्णधार मिल गया, लेकिन ये जहाज को चलाने वाला फेवरेबल विंड ना हो, अनुकूल वायु ना हो, फिर भी जहाज कहीं नहीं जाएगा। अगर फेवरेबल विंड नहीं है तो उल्टा वायु होगा तो उल्टी दिशा में जहाज हाईजैक हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मया अनुकूलन निवसता, मेरी जो शिक्षाएं हैं उपदेश हैं भगवत गीता भागवत उपदेश है भगवान का, तो वो फेवरेबल विंड है। भागवत और गीता में जो कहा है वो उपदेश भगवान की वाणी ये फेवरेबल विंड है, अनुकूल वायु है। तो हमें भगवत धाम जाना है तो कितनी चीज़ें चाहिए? तीन। क्या चाहिए? एक तो जहाज चाहिए, तो मनुष्य देह ये जहाज है, गुरु कर्णधार चाहिए, सुकानी नहीं होगा तो गुरु चाहिए जो कैप्टन बनेगा हमारे जहाज का, और तीसरी चीज वायु अनुकूल वायु चाहिए। मया अनुकूलेन नभस्वता, अनुकूल वायु।
ये कृष्ण की शिक्षा है, तो ये तीन चीजें हमें चाहिए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।